मैं रोली यादव, ई लर्निंग विद दुर्गेश प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो क्या है? संवेगात्मक विकास। क्या टॉपिक है? संवेगात्मक विकास। इससे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जो है संवेगात्मक विकास की हम बात करते हैं, यानी इमोशनल डेवलपमेंट। किसका? इमोशनल डेवलपमेंट। एक्चुअली जो संवेग होता है ना, वो मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण इकाई है। जो संवेग होता है वो मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण इकाई है, और मनुष्य को कार्य करने की जो प्रेरणा मिलती है वो संवेग से ही मिलती है। मनुष्य को कार्य करने की जो प्रेरणा मिलती है ना, वो संवेग से ही मिलती है। संवेग का संबंध हमारे जीवन के हर एक भावात्मक पहलू से है। अगर कोई पूछते, मतलब कोई अक्सर पूछ जाता है कि संवेग का संबंध है किससे? संवेग का संबंध हमारे जीवन के हर एक भावात्मक पहलू से है। देखिए, उसके बाद हम क्या कहते हैं कि रास ने क्या कहा कि संवेग जो होता है चेतना की वह अवस्था है। रास क्या कहते हैं कि जो संवेग होता है वो चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। जिसमें किसकी प्रधानता होती है? रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। और जिस संवेग उत्पन्न होने पर व्यक्ति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भी वास्तविक स्थिति में परिवर्तन होता है। राग साहब क्या कहते हैं? राग ये कह रहे हैं कि संवेग चेतना की वह स्थिति है, वह अवस्था है जिसमें रागात्मक, जिसमें किसकी? रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। और संवेग के उत्पन्न होने पर, संवेग के उत्पन्न होने पर व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन तो होता ही है, साथ में मानसिक परिवर्तन भी होता है। देखिए, हम ये कह रहे हैं आपसे कि संवेग उत्पन्न होने पर व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन तो होता ही है, मानसिक परिवर्तन भी होता है। देखिए, संवेग एक पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। जब संवेग आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का सेंस कि आप में प्रेम की भावना होगी, उल्लास की भावना होगी, हर्ष की भावना होगी, तो आपका जो शरीर है वो हैप्पी रहेगा, तो वो नेचुरली उसका डेवलपमेंट होगा। वो किसी भी कार्य को बहुत ही इजिली, बहुत ही आसानी से अचीव करेगा, कंप्लीट करेगा। बट आपका संवेग अगर निगेटिव है तो आपको वहाँ से कहीं ना कहीं आप डिक्लाइन होगी, आप वहाँ से लॉस में जाओगे। नकारात्मकता आपके फिजिकल बॉडी में भी दिखेगा, आपके मानसिक माइंड, जो एक तरफ से हम बात करें कि दिमाग में भी दिखेगा। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं कि संवेग। तो देखिए, संवेग जो होता है मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण, यहाँ पे मैंने बताया क्या है कि संवेग जो है मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण इकाई है ना। और मनुष्य को कार्य करने की जो प्रेरणा मिलती है, मनुष्य को जो कार्य करने की प्रेरणा मिलती है वो संवेगों से मिलती है। मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा किससे मिलती है? संवेगों से मिलती है। संवेग का संबंध हमारे जीवन के प्रत्येक भावनात्मक पहलू से है। संवेग का जो संबंध है वो हमारे जीवन के प्रत्येक भावनात्मक पहलू से है। रास क्या कहते हैं? रास क्या कहते हैं? एक्चुअली रास क्या बोल रहे हैं कि देखिए, राज का ये कहना है कि संवेग चेतना की अवस्था है। किसकी अवस्था है? चेतना की अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? रागात्मक तत्व की प्रधानता है। देखिए, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है किसकी प्रधानता है, जिसके रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। इसके बाद संवेग उत्पन्न होने पर शारीरिक और मानसिक स्तर पर क्या होता है, स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। अगर आपका संवेग पॉजिटिव है तो आपके शरीर पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव असर दिखेगा। आपका जो डेवलपमेंट होगा, आपकी लाइफ का जो टारगेट का अचीवमेंट होगा वो पॉजिटिव। अगर आपका संवेग निगेटिव है तो आपके फिजिकल जो बॉडी का डेवलपमेंट है उस पर कहीं ना कहीं नकारात्मकता की छाप तो दिखेगी दिखेगी। और इन फ्यूचर में या फिर आपके किसी भी काम के विकास में भी नकारात्मकता दिखेगी। तो अभी हम समझते हैं
संवेग, एक्चुअली संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं, यानी ई का मतलब होता है अंदर। ई का क्या मतलब होता है? अंदर, है ना। ई का मतलब क्या होता है? अंदर। और मोशन का मतलब गति। मोशन का मतलब क्या होता है? ई का मतलब हो गया अंदर, है ना। और मोशन का मतलब क्या हो गया? पर्टिकुलर मोशन का क्या मतलब हो गया? आपका गति हो गया, है ना। तो अंग्रेजी शब्द में इसे इमोशन कहेंगे और लैटिन शब्द में याद रखिएगा हमेशा संवेग को इमोवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोवियर कहते हैं, है ना। यानी अब देखिए, अब हम यहाँ पे इमोशन ई यानी अंदर, मोशन यानी गति, यानी अंदर की जो भावनात्मक भाव को, अंदर की मतलब कि ई यानी अंदर माने इंसान के अंदर, मैं चेतना की बात कर रही हूँ, अंदर, और मोशन यानी गति। कभी कभी आप देखते हैं किसी इंसान को देख के पता नहीं चलता है उसके अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा भूचाल रहता है, किसी न किसी बात को लेके हमेशा से उकड़ पुकड़ रहता है, या फिर बहुत लोगों के अंदर जुनून होता है किसी चीज़ को जीतने का। देखिए, जुनून है किसी काम को करने का तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संवेग है, है ना। किसी का अच्छे काम को करने का जुनून किसी अगर व्यक्ति में है तो वो कहीं ना कहीं क्या है, पॉजिटिव है, एक तरह से धनात्मक संवेग। बट आपके अंदर अगर किसी को लेकर ईर्ष्या है, द्वेष है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो गति है, आपके अंदर वो ऋणात्मक है, तो वो नकारात्मकता लाना तय है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है, इमोशन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ई यानी अंदर, मोशन यानी गति, यानी मनुष्य के अंदर की जो भावनात्मक भाव को, मनुष्य के अंदर भावनात्मक भाव को गति प्रदान करना, मनुष्य के अंदर भावनात्मक भाव को गति प्रदान करना ही क्या कहलाएगा? इमोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमोशन कहलाएगा। बात समझ में आई? कैटोवीज, है ना, कैटोवीज क्या कहते हैं? कैटोवीज एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बोला कि संवेगों से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है, संवेगों से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है, संवेगों से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भावना से होता है जिससे कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है, जिससे कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और उस परिस्थिति में कुछ महत्वपूर्ण व्यवहार होता है, है ना। अब देखिए, कैटोविज के अनुसार, मतलब कैटो जो विज है वो ये बोलते हैं कि संवेगों से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से है, एक ऐसी आत्मनिष्ठ भावना से है कि जिसमें शारीरिक उत्तेजना की बात हो रही है, और शारीरिक उत्तेजना जब पैदा होती है तो उससे क्या होता है, कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं, इंसान के अंदर कुछ विशेष परिवर्तन होता है, तो कुछ उससे उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। कैटोविज्म क्या कह रहा है? कैटोविज्म ये कह रहे हैं कि संवेगों से तात्पर्य एक ऐसी भावना से है जो एक तरफ से आत्मनिष्ठ भाव की भावना की, आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था की बात करते हैं जिसमें शारीरिक उत्तेजना होती है, शारीरिक उत्तेजना होने के बाद जो उसमें परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने से उसके व्यवहार में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने 1919 में, वाटसन नामक जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने 1919 में क्या किया, अध्ययन किया नवजात शिशु, उन्होंने अध्ययन किया कि नवजात जो शिशु होता है, शैशव अवस्था जैसे हम कहते हैं, जन्म से लेकर के 2 साल की उम्र कहीं कहीं शैशव अवस्था कहा गया है, और कुछ लोग 3 साल कहते हैं, कुछ 5 कहते हैं, कुछ 6 भी कह रहे हैं, तो वो तो अलग चीज़ हो गई, बट यहाँ जो टॉपिक है हमारा वो संवेग है। तो वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक 1919 में सर्वप्रथम क्या बोलते हैं कि अध्ययन करके पाया गया कि नवजात शिशु में 3 संवेग होता है। किसने बताया कि नवजात शिशु में 3 संवेग होते हैं? वाटसन ने बताया। तो वाटसन ने यह बताया
कि नवजात शिशु में कितने संवेग होते हैं। नवजात शिशु में देखिए 3 संवेग होते हैं। कितने संवेग होते हैं? 3 संवेग होते हैं। पहला भय हो गया, दूसरा क्रोध हो गया, तीसरा प्रेम हो गया। वाटसन ने देखिए क्या बताया है कि नवजात शिशु में देखिए 3 संवेग होते हैं। वह तीनों संवेग कौन कौन से हैं? भय हो गया, क्रोध हो गया और प्रेम हो गया। मतलब वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक क्या बताते हैं, किसी भी शिशु में जो होते हैं शैशवावस्था की बात करती हूँ, उसमें 3 होते हैं, एक भय, क्रोध और प्रेम की बात हम करते हैं। और विजेस नामक एक महिला मनोवैज्ञानिक जो है, उन्होंने क्या बताया कि 2 वर्ष की अवस्था तक शिशुओं में प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं। जो प्रमुख संवेग होते हैं ना, मतलब विजेस नामक मनोवैज्ञानिक, मतलब विजेस नामक मनोवैज्ञानिक महिला कहती हैं कि 2 वर्ष की जो अवस्था होती है ना, इस अवस्था में क्या होता है कि शिशुओं में सभी प्रमुख संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। जो शिशु होते हैं ना, उनमें सभी प्रमुख संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे भय, क्रोध और प्रेम हो गया, है ना, भय, क्रोध और प्रेम हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्या है, आपका निगेटिव संवेग है। कौन सा संवेग है? ये आपका निगेटिव संवेग है, है ना। और ये जो है आपका, ये आपका पॉजिटिव संवेग है। कौन सा संवेग है? पॉजिटिव संवेग, पॉजिटिव संवेग है। कौन सा संवेग है? ये पॉजिटिव संवेग है। एक्चुअली देखिए, नोट, 3 माह की उम्र में दुख और आनंद का संवेग का जन्म हो रहता है। अगर हम बात करते हैं 3 माह के, देखिए अभी वहाँ 2 माह की बात हो रही थी, अब 3 माह की जो उम्र होती है उसमें आनंद, मतलब कि एक प्रकार से दुख और आनंद वाला संवेग जन्म ले लेता है। जो 3 माह की उम्र होती है बच्चे की, उसमें जो क्या है कि जो है, एक तरफ से आप कहेंगे क्या कि दुख और आनंद दोनों संवेग का जन्म हो जाता है, और इन संवेगों से और भी संवेगों की उत्पत्ति होती है। जैसे दुख वाले संवेग की हम बात करेंगे, एक देखिए दुख होगा तो ही भय होगा, तो ही क्रोध होगा। मतलब दुख का कारण कौन कौन सा है? भय भी कारण हो सकता है, क्रोध भी कारण हो सकता है, घृणा भी कारण हो सकता है, दुख के ये सब कारण हैं। और आनंद की हम बात करते हैं आपसे, आनंद का जो होता है वो क्या है आपका? उल्लास है, अनुराग है। आनंद से उल्लास होगा और अनुराग होगा, है ना। हर्ष संवेग का जन्म जो होता है सबसे अंत में होता है। कौन से संवेग का जन्म सबसे अंत में होता है? हर्ष का सबसे अंत में होता है। तो मैंने भी क्या बताया आपको कि दुख का कारण क्या है, कौन से ऐसे संवेग हैं जो दुख के कारण हैं? भय हो गया, क्रोध हो गया और घृणा हो गई। कौन से ऐसे संवेग हैं जो आनंद के कारण हैं? उल्लास हो गया, अनुराग हो गया। एक्चुअली जो हर्ष होता है ना, वह जन्म का सबसे आखिरी संवेग होता है, सबसे अंत में होता है। हर्ष संवेग का जन्म सबसे अंत में होता है। कौन से संवेग का जन्म सबसे अंत में होता है? हर्ष वाले संवेग का जन्म सबसे अंत में होता है। संवेग के जागृत होने पर, जो मतलब कि अगर देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ बता रही हूँ आपको कि मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर किसी व्यक्ति में संवेग होता है, मैंने आपको बताया ना कि किसी व्यक्ति में अगर संवेग जागृत होता है तो उसमें उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती है, शारीरिक और मानसिक तौर से उसके शरीर में परिवर्तन होने लगता है। किससे? संवेग से। और तो यहाँ पे वही चीज़ कही गई कि जो हर्ष हो, मतलब कि एक तरफ से हर्ष जो है संवेग का जन्म जो होता है, हर्ष संवेग का जन्म सबसे अंत में होता है, वो तो ठीक है। संवेग की जागृत होने पर जो सुप्त व्यक्ति होता है, संवेग के जागृत होने पर सुप्त व्यक्ति जागृत हो जाता है। माने अगर किसी कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में बैठा है और उसमें किसी कारण बस कोई संवेग आ गया, देखिए वो संवेग पॉजिटिव भी होता है, वो संवेग नेगेटिव भी होता है, तो वो क्या हो जाता है? बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल सक्रिय हो जाता है निष्क्रिय से, है ना। तो वही चीज़ हम बात करेंगे कि संवेग के जागृत होने पर सुप्त व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, सक्रिय होता है, और किसी कार्य को करने में क्या हो जाता है? उसमें स्फूर्ति आ जाती है। जैसे आप ही को है अभी सुबह 7 बजे कोचिंग जाना है, अगर तो आप क्या करोगे? रात में कितने भी लेट सोओगे लेकिन कोचिंग टाइमली पहुँचोगे ही पहुँचोगे, यानी कि आपके अंदर ये संवेग है कि मुझे क्लास लेनी है, टीचर गुस्सा होंगे, मेरा छूटेगा, मेरा एग्ज़ाम है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कारण है जो आपके इस वहाँ जाने के लिए आपका जो है कहीं ना कहीं आपको एक्टिवेट करेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर आती है, वही चीज़ यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि संवेग के जागृत होने पर जो व्यक्ति सुप्त अवस्था में है या फिर निष्क्रिय अवस्था में,
वह व्यक्ति सक्रिय हो जाता है किसके लिए, अपने कार्य को करने के लिए। और किसी कार्य को करने में उसमें क्या आ जाती है, स्फूर्ति आती है। अभी अभी पता चला कोचिंग आज बंद है, संडे है, तो क्या है कि 8-9 बजे तक सब लोग आराम से सोते हैं, बट अगर कोचिंग 7 बजे जाना है तो वो कितना भी लेट सोएगा बट टाइमली उठेगा, कोचिंग पहुँचेगा, कहीं ना कहीं उसमें क्या है स्फूर्ति आई। तो वही चीज़ मैं आज आपसे कह रही हूँ कि किसी कार्य को करने में स्फूर्ति दिखाता है कौन, संवेग दिखाता है। किसी कार्य को करने में स्फूर्ति कौन दिखा रहा है, संवेग दिखा रहा है। और फिर मैं क्या कह रही हूँ, उसके शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में भी क्या हो रहा है, उसके शारीरिक और मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। शारीरिक और मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ, संवेग के कारण जो जीवन होता है व्यक्ति का, प्रशंसनीय भी होता है, निंदनीय भी होता है। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपका संवेग पॉजिटिव होगा तो आपका डेवलपमेंट पॉजिटिव होगा, आपका बॉडी बहुत ही हेल्दी रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव संवेग आपकी बॉडी में गति कर रहा है ना, जो मोशन हो रहा है आपके अंदर वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव ही हो रहा है। बट अगर वही संवेग आपका नेगेटिव है, माने आपके जो शरीर में जो गति हो रही है वह नकारात्मकता को जो है निमंत्रण अगर दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो निंदनीय होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने कहा कि संवेग के कारण प्रशंसनीय व निंदनीय कार्य कर बैठता है। संवेग के कारण वो जो है वह क्या करता है, प्रशंसनीय और निंदनीय कार्य बढ़ता है। क्योंकि कभी कभी इंसान आ करके उत्तेजना में बहुत बड़ा कदम उठा लेता है, तो वो हम कभी कभी डेवलप हो जाता है, कभी कभी बहुत मेकअप में आ जाता है। उसका कारण कौन था, संवेग था। तो संवेग का एक जो इसका उक्रम है बंद होता है, वो संवेग की जो स्थिति में व्यक्ति की जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि संवेग के कारण व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, व्यक्ति के शारीरिक तौर तरीके में परिवर्तन आता है, व्यक्ति के मानसिक तौर तरीके में परिवर्तन आता है। किसके कारण, संवेग के कारण। अब देखिए बुद्धि या सोचने की जो प्रक्रिया है वह संवेग की अपेक्षा कमजोर होती है। मैंने एक चीज़ बताया था, याद रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए 20% बुद्धि काम करती है। कितनी प्रतिशत, 20% बुद्धि काम करती है ना, और 80% आपका संवेग काम करता है ना। 80% क्या काम करता है, संवेग काम करता है। एक्चुअली जो आपका ये 80% संवेग है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव यानी पॉजिटिव डेवलपमेंट है ना, अगर निगेटिव है तो निगेटिव डेवलपमेंट होगा। कैसा डेवलपमेंट होगा, निगेटिव डेवलपमेंट होगा। तो वही चीज यहाँ पे कही गई है कि बुद्धि या सोचने की जो प्रक्रिया होती है वह संवेग की अपेक्षा कमजोर होती है। क्योंकि संवेग में इंसान बहुत एक्साइटेड भी हो सकता है, परिवर्तन उसके शरीर में भी आएगा, परिवर्तन उसके मानसिक तौर से भी आएगा, उसके तौर तरीके में आएगा, उसके व्यवहार में आएगा। बट जो संवेग है ना, मतलब जो आपका संवेग है ना, वो बहुत बड़ा कारण है चेंजिंग का, ठीक है। अब देखिए संवेग की विशेषता को हम क्या कहेंगे, संवेग की विशेषता को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये संवेग की विशेषता है। एक्चुअली संवेग से कार्य करने की प्रेरणा तो मिलती है, और एक संवेग से एक निष्क्रिय या सुप्त अवस्था में गया व्यक्ति जो होता है सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है अपने कार्य को करने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर हम कहीं से प्रेरणा लेते हैं तो संवेग के कारण ही हम एक्टिव होते हैं, संवेग के कारण ही हम सक्रिय होते हैं और अपने कार्य को बहुत ही लगन से और बहुत ही जुनून से करते हैं। बात समझ में आई। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रही है कि संवेग से कार्य करने की जो प्रेरणा होती है, जो संवेग से किसी भी कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, संवेग से किसी भी कार्य को करने की शक्ति मिलती है, ठीक है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, संवेग अस्थाई और परिवर्तनशील है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि संवेग कभी अस्थाई नहीं होता है। बुद्धि अस्थाई होती है लेकिन संवेग मतलब कि
अस्थाई नहीं होता है, यानी समय अस्थाई होता है। आपका समय कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, सिचुएशन के अनुसार, मतलब आपकी क्या परिस्थिति है उसके अनुसार समय बदलता रहता है, बट आपकी बुद्धि नहीं बदलती। जो लोग कहते हैं कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, वो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, उसकी टेंडेंसी बुद्धि की कार्य करने की उतनी होती है, वो संवेग कहीं ना कहीं उसको परिवर्तन लाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो संवेग जो होता है अस्थाई एवं परिवर्तनशील रहता है। कैसा रहता है? संवेग जो होता है अस्थाई होता है और कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। क्योंकि संवेग का जो संबंध है ना, वो इंद्रियों से है। किससे है? संवेग का जो संबंध है वो किससे है? इंद्रियों से है, है ना? जिन जिन का मतलब कि इंद्रियों से है, और इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे होता है? गीता उपदेश में कहा गया है कि इंद्रियों पर नियंत्रण अभ्यास से होता है, बट ऐसा कोई करता नहीं है, 100% भी, 0.1% भी नहीं करते हैं, कहने की बात है। तो मैंने क्या बोला कि संवेग जो होता है, आपकी जो बुद्धि होती है, जो IQ का लेवल होता है, उसके बढ़ने और घटने का कारण कौन है? संवेग है। कैसे? अगर आपका संवेग पॉजिटिव फॉर्म में सक्रिय है तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम करेगी, है ना? क्योंकि बुद्धि का जो विकास होता है वो 20% तो आपकी अपनी इंटेलिजेंस क्वालिटी होती है जो आपके पेरेंट्स से आती है, बट 80% जो संवेग होता है वो अलग चीज है। तो कहीं ना कहीं दोनों के मिलने से आप किसी काम को करते हो, तो बुद्धि कहीं ना कहीं स्थिर होती है, बट आपका जो संवेग होता है वो अस्थिर होता है। वही चीज़ मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि जो संवेग होता है वो अस्थायी होता है और परिवर्तनशील रहता है, क्योंकि संवेग का संबंध जो होता है इंद्रियों से है। जिस किसी का संबंध इंद्रियों से होगा वह अस्थायी होगा, ठीक है? तो फिर मैंने आपसे क्या बोला कि संवेग जो होती अक्रमबद्ध एवं अश्रृंखलित होते हैं। वेरी गुड। देखिए, संवेग का कोई क्रम नहीं होता है। आप अगर कह दें कि संवेग का कोई क्रम हो तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। संवेग अक्रमबद्ध होता है, संवेग की कोई श्रृंखला नहीं होती है। संवेग जो होता है अश्रृंखलित होता है। कैसा होता है? अश्रृंखलित होता है। संवेग को बुद्धि से नियंत्रित होना चाहिए। बात समझ में आई? कभी कभी इंसान किसी चीज को बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो उसके बाद मैंने क्या कहा कि संवेग को, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, संवेग को बुद्धि से हम कैसे नियंत्रित करते हैं, ध्यान से समझिएगा। कभी कभी कुछ लोग जुनून में आके बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं, जुनून में आके बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं, तो उस टाइम उनकी बुद्धि अगर ज़्यादा सक्रिय है संवेग की तुलना में, तो वो उन्हें क्या करती है? कंट्रोल कर लेती है। बुद्धि उस संवेग को नियंत्रित कर लेती है कि आप ये काम जो करने जा रहे हो इसका इतना लॉस है। तो वहाँ पर संवेग को नियंत्रित किसने किया? बुद्धि ने किया। और बुद्धि की जो इंटेलिजेंस क्वालिटी है, माने जो आपकी बुद्धि है, वो आई कहाँ से? आपके इनहेरिडिटी नेचर से, यानी आपकी ये बुद्धि कहाँ से आती है? बुद्धि आपका जो IQ होता है, IQ यानी इंटेलिजेंस क्वालिटी, यानी इंटेलिजेंस क्वालिटी, ये कहाँ से आया? ये आपके पेरेंट्स से आया। कहाँ से आया? पेरेंट्स से आया। कहाँ से आया? पेरेंट्स से आया, है ना? अगर सिचुएशन के अनुसार, और ये आपके क्या हो गया? संवेग हो गए। संवेग को क्या हो रहा है? सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, है ना? सिचुएशन के अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल किसने किया? बुद्धि ने किया। कंट्रोल किसने किया? आपकी इंटेलिजेंस क्वालिटी ने किया। बात समझ में आई? इसलिए आपका कहा गया ना कि संवेग जो होता है वो अस्थाई होता है और बुद्धि जो होती है वो अस्थाई होती है। आपका अगर संवेग एक्टिव हो गया तो सुप्त अवस्था में या निष्क्रिय व्यक्ति क्या हो जाता है? वो सक्रिय हो जाता है, किसी काम को करने के लिए एक्टिव हो जाता है। बट उसके अंदर जो संवेग है वो पॉजिटिव फॉर्म में है कि नेगेटिव फॉर्म में, उसी प्रकार से उसका जो डेवलपमेंट है वो भी पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। वही सारी बात यहाँ पे कही गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। संवेग का जो स्थानांतरण होता रहता है, बहुत अच्छा, संवेग का जो स्थानांतरण, संवेग देखिए कभी भी स्थिर नहीं होता, स्थायी नहीं होता है। कभी कुछ होगा संवेग, कभी कुछ होगा, कभी बहुत हर्ष, कभी बहुत
ईर्ष्या की भावना, कभी बहुत प्रेम, कभी बहुत घृणा की भावना। तो संवेग का स्थानांतरण होना तय है। किसका स्थानांतरण होना तय है? संवेग का स्थानांतरण होना तय है। संवेगों की जो प्रकृति होती है ना, याद रखिएगा, नेचुरली जो संवेग का मतलब की प्रकृति होती है ना, वो जो होती है हमेशा इसकी जो प्रकृति होती है भावनात्मक होती है। कैसी होती है? भावनाओं में बहते रहते हैं सब। और संवेग में सोचने समझने की क्षमता का जो होता है ना, बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। जब आपका संवेग कभी बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है, नहीं लोग कहते हैं कि बुद्धि विपरीत बुद्धि विनाश का ले कहा गया है ना, वो पॉइंट वहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं आपका जो संवेग है वो मतलब कि एक तरफ से इतना नकारात्मकता की तरफ चला गया है, मतलब यह जो आपका संवेग है इतना ज़्यादा नकारात्मक हो गया है कि सोचने समझने की जो कैपेसिटी है ना वो पूरी तरह से डिक्लाइन कर गई है। मतलब एक तरफ सोचने समझने की जो क्षमता है ना उसका क्या हो गया है, एक तरफ से विलुप्त हो गई है। कब? जब आपका निगेटिव क्या होगा, निगेटिव आपका संवेग होगा। कैसा संवेग होगा? निगेटिव संवेग होगा। वो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना वो विलुप्त हो जाती है। कब होती है सोचने समझने की क्षमता विलुप्त? जब सबसे ज़्यादा सक्रिय आपका नकारात्मक संवेग होगा। और दूसरी बात याद रखिएगा, संवेग हमेशा व्यक्तिगत होता है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे लोग दुनिया में हैं और उनके बहुत सारे अंतर हैं। इवन अगर ट्विन्स भी हैं, मैंने जुड़वा बच्चे भी हैं, तो उनके भी फिंगरप्रिंट्स अलग हैं होते हैं, जबकि वे एक टाइम पे पैदा हुए रहते हैं। हालांकि उनका जो है एक तरफ से काफ़ी चीज़ें टैली करता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें उनकी भी नहीं टैली करती है। एक गॉड गिफ्टेड है, हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि संवेगों में जो होती अस्थिरता तो होती ही होती है, लेकिन जब कभी आपका निगेटिव जो नकारात्मक संवेग बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में जो सोचने का मतलब कि एक तरफ से सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना वो विलुप्त हो जाती है, उसका लोप हो जाता है। और संवेग जो होता है ना वो व्यक्तिगत होता है, हर व्यक्ति का अपना पर्सनल संवेग होता है। किसी से किसी का संवेग टैली करे ऐसा कुछ नहीं है। संवेग जो होता है व्यापक होता है, संवेग हर जगह होता है। ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि मेरे पास संवेग है तो मेरे विद्यार्थी के पास नहीं है या फिर मेरे बच्चे के पास नहीं है। सबके पास अपना अपना संवेग होता है, सबके संवेग की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि संवेग जो होता है वो क्या होता है, व्यापक होता है। और संवेग की जो स्थिति होती है ना, देखिए मैंने आपको पिछली भी क्लास अभी बता रही थी पिछली में कि संवेग की जो स्थिति होती है ना उसमें शारीरिक परिवर्तन तो होता है। संवेग का मतलब ही होता है कि परिवर्तन होगा। अब वो परिवर्तन नकारात्मक होगा कि धनात्मक होगा वो आप उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो जो देखिए संवेग की जो स्थिति में जो परिवर्तन होगा, एक तरफ से शारीरिक परिवर्तन होगा और संवेग अगर सकारात्मक, और देखिए यहाँ पे वही बात कही, संवेग दो तरह से होगा, सकारात्मक भी होगा और नकारात्मक भी होगा। संवेग कैसा होगा? सकारात्मक भी होगा और नकारात्मक भी होगा। और संवेग का संबंध हमेशा क्रियात्मक प्रवृत्ति से होगा। जब व्यक्ति सक्रिय होगा, जैसे व्यक्ति अगर सुप्तावस्था में है और उसके अंदर संवेग जागृत हुआ, तो वह क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो कुछ ना कुछ कार्य करेगा, कुछ ना कुछ क्रिया करेगा ना जब एक्टिव होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई कि संवेग का संबंध क्रियात्मक प्रवृत्ति से होता है। संवेग का संबंध किससे होता है? क्रियात्मक प्रवृत्ति से होता है। जैसे देखिए जब आपका संवेग कभी कभी गुस्सेल स्वभाव का होता है तो आप बहुत क्रोधित हो जाते हैं। कभी कभी आपका संवेग हर्ष उल्लास से भरा होता है तो आप यानी आप पॉजिटिव में हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे कहेंगे। तो आप कुछ तो पॉजिटिव क्रिया करेंगे, नेगेटिव क्रिया करेंगे। आमोद में व्यक्ति हंसता है। संवेग का संबंध आपकी मूल प्रवृत्तियों से होगा। जैसे मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। किसने बताया 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में? ये जो आपकी मूल प्रवृत्तियाँ हैं, कहाँ गया मूल प्रवृत्ति, मतलब कि एक तरफ से हम आपसे बात करें कि मूल प्रवृत्तियों की मैं बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? मूल प्रवृत्ति क्यों की बात है? 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं। कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियाँ है ना, कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियाँ। किसने बताया? मैकडूगल ने बताया। किसने बताया? मैकडूगल ने बताया। किसने बताया? मैकडूगल ने बताया। जैसे संतान कामना से बाल्य
पुस्तक की मैं बात करूँ, संवेग धनात्मक और ऋणात्मक होता है, मैंने बताया है। प्रेम जो है एक तरफ से धनात्मक संवेग है और क्रोध आपका ऋणात्मक संवेग है। हमने बताया ना कि जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में लूँ तो प्रेम आपका कैसा संवेग है, धनात्मक है, और क्रोध आपका कैसा संवेग है, ऋणात्मक है। संवेग जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं, जैसे मतलब कि संवेग जो होता है हमेशा याद रखिए कि वो नेचुरल होता है ना, जैसे क्रोध हो गया, और यह संवेग जो विकसित होते हैं जैसे प्रेम हो गया। आगे हम बात करते हैं, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी प्रकार के संवेग बालक के सामाजिक एवं शैक्षणिक अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित या प्रफुल्लित करते रहते हैं। देखिए मैंने आपसे बताया ना कि सभी प्रकार के जो संवेग होते हैं बालकों के सामाजिक एवं शैक्षणिक अंतःक्रिया करने के लिए क्या करते हैं, मतलब कि मैंने सभी प्रकार के जो संवेग होते हैं बालकों के सामाजिक माने आप समाज में जो रह रहे हो एवं शैक्षणिक अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित या प्रफुल्लित करते हैं। शैक्षणिक अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित या प्रफुल्लित करते हैं, है ना। ऐसे संवेगों से बालक क्या होता है, ऐसे संवेगों से बालक सामाजिक उम्मीदों तथा सामाजिक मानकों के अनुकरण अपने व्यवहार में किस प्रकार से कौन या परिवर्तन करते हैं, करते रहते हैं, है ना। तो मतलब कि बालक क्या करते हैं, सामाजिक उम्मीद है उनको या फिर कहीं से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं तो सामाजिक मानकों के अनुकूल में क्या करते हैं, वो अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाते रहते हैं, उम्मीद भी में भी उनकी बदलाव होता है, उनका आपसी सामाजिक सामंजस्य में भी बदलाव होता रहता है। और देखिए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, मैंने भारतीय मनोवैज्ञानिक के अनुसार संवेग को देखिए कैसे मतलब कि डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संवेग देखिए दो ही है, एक राग है दूसरा द्वेष है, है ना। और एक्चुअल में अगर हम बात करें तो संवेग दो तरह के होंगे, एक धनात्मक होगा एक क्या होगा, देखिए भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दो तरह के, एक राग होगा दूसरा द्वेष होगा, जबकि एक्चुअल में जो संवेग होगा एक धनात्मक होगा एक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जब कभी धनात्मक संवेग की बात हो यानी सुख होगा, आनंद होगा, प्रेम होगा, भक्ति होगी, आदमी जब बहुत पॉजिटिव थिंकिंग से भरा होता है, पॉजिटिव संवेग होता है, धनात्मक संवेग होता है, बहुत ही प्रेम की भावना रखता है, बहुत ही आनंद की भावना रखता है, बहुत ही हर्ष की भावना रखता है, बहुत ही सुख की भावना रखता है, बहुत ज़्यादा जो होता है जब रिलैक्स रहता, लेकिन जैसे ही उसके अंदर नकारात्मक संवेग आएगा वो क्या करेगा, घृणा करेगा, क्रोधित तो होगा, उसके अंदर क्या आएगा, भय आएगा, क्या आएगा, भय आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हम क्या बात करते हैं कि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक जो है एक हैं मैकडूगल ने 1908 में, इन्होंने मतलब कि जो मैं भी मैं बता रही थी कि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने 1908 में अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, किसके, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति मतलब कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति के मतलब सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति के जो है सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल ने किया। कब किया, 1908 में किया। एक्चुअली इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध जो था हमारे संवेगों से हो रहा है, जो यह 14 मूल प्रवृत्तियाँ थी इनका संबंध किससे है, हमारे संवेगों से है। जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या है वह कितनी है, 14 है, और जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार हैं, अब यह जो आपको हम 14 मूल जो है प्रवृत्तियाँ जो हैं इसके बारे में आपको हम अपनी अगली क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक यू।